अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 फ्रैक्शन, पेज नंबर 74 to 76। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 1 to 16 टेबल्स किए थे, ठीक है। लेकिन आज हम अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, बुक वर्क, जो कि आज का जो हमारा वर्क है वो 74 to 76 पेज तक है, ठीक है। फ्रैक्शन इसमें हमने डिस्कस करना है, फ्रैक्शन के बारे में। When a whole number is divided into parts and one or more parts are taken out, we represent these parts as a number, ठीक है। अगर हमारे पास कोई whole numbers है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा parts को उनमें से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम मतलब parts में या part में divide कर देते हैं। This number is called a fraction, तो उन numbers को हम कहते हैं fraction, ठीक है। ये definition हो गई fraction की। We write it by putting a bar, हम कैसे इसको write कैसे करते हैं, हम इनके mid में एक bar line draw मतलब line put करते हैं between the number of parts taken and the total number of parts into which the whole number is divided, मतलब जिस number मतलब जिस whole number से divide किया गया है वो number, उससे हमने mid में line draw करनी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाफ की बात करें, व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ ऑफ द होल। तो स्टूडेंट्स, टू टोटल पार्ट्स कितने हैं, टू है ना, और वन एरिया शेडेड है, ठीक है। एक पार्ट को आपने, ठीक है, इसका मतलब हमने वन को डिवाइड कर दिया टू के साथ, होल पार्ट से, मतलब होल पार्ट इसका टू था ना। ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ ऑफ द होल, तो ये हाफ ऑफ द होल के लाएगा, होल ये है, ठीक है। कलर पार्ट ऑफ, अगर हम इसको डिवाइड करके वन को कलर कर दें, दिस हाफ कलर पार्ट ऑफ द होल इज रिटन एज, मतलब वन का कलर और इसका होल पार्ट कितना है, टू, वन डिवाइडेड बाय टू, और इसके मिड में वो लाइन पुट करनी है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। वी रीड इट एज वन आउट ऑफ टू, तो हम इसको यूँ भी रीड कर सकते हैं कि वन आउट ऑफ टू, टू में से एक, और वन ओवर टू, और इसको हम सेकंड, उसका मेथड कौन सा, इसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं, तीन तरीकों से, एक वन आउट ऑफ टू, एक वन ओवर टू, और वन अपॉन टू, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द सम मोर एग्जांपल्स ऑफ हाफ, आए चलें देखें हम के इसके मतलब एग्जांपल्स हैं हाफ के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे एप्पल की एक शेप बना दी गई है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन वो थोड़ी सी उसकी शेप चेंज है, ठीक है। तो इसको इसमें इस एक्टिविटी में मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वन बाय टू ही होगा, क्योंकि टोटल पार्ट्स इसके टू ही आ रहे हैं, और वन शेडेड एरिया वन बाय टू, और हाफ ऑफ ईच फिगर इज शेडेड, ठीक है, आधे का आधा हिस्सा शेडेड कर दिया, ठीक है। नाउ स्टडी दिस एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन, आए हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन इसके थ्रू। अब यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 कप्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 6, ठीक है। हाफ ऑफ द टोटल, इनका हाफ कितना है, 3 हो गया ना, तो 3/6, मतलब यहाँ पे हम हाफ के बारे में रीड कर रहे हैं, तो 6 का हाफ कितना हो गया, 3/6 हो गया। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10, हाफ ऑफ द टोटल, इनका हाफ क्या होगा, मतलब हाफ पार्ट्स को सर्कल कर दिया तो 5 होगा ना हाफ, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो 5/10, मतलब होल पार्ट का 5th हिस्सा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 12, ठीक है। हाफ ऑफ द टोटल कितने आ रहे हैं, 6, इन मतलब टोटल ऑब्जेक्ट 12 है, हाफ 6 आ रहे हैं, तो इसको अगर हम हाफ फॉर्म में लिखेंगे तो 6/12। व्हेन अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, द पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ अ रीजन, ठीक है। डेफिनेशन है फ्रैक्शन ऑफ अ रीजन की, व्हेन अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, द पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ अ रीजन, व्हेन अ ग्रुप और कलेक्शन और ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट, द पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रुप्स में कोई चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, कलेक्शन है काफ़ी सारी चीज़ों का, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, और उनको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। द एग्जाम्पल अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसको आपने एक पार्ट में हाफ पार्ट उसका बना लिया, तो उसे उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रैक्शन ऑफ अ रीजन, किसी एक हिस्से का मतलब फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने, हमारे पास कलेक्शन थी जो हमने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल रीड किया, तो इन कलेक्शन का हाफ हाफ जो करेंगे उसे हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 75 पे। तो फ्रेंड्स, अब हम